नमस्कार, एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर पेरिस से है, जहां एक ऐसी आवाज लोगों को आई कि कुछ पल के लिए लोग दहल उठे, इमारतें हिलने लगी, लोग जहां थे वहीं दुबक गए। ये आवाज क्या थी? क्या कोई धमाका हुआ था? पेरिस में कुछ वक्त के लिए सनसनी फैलाने वाली आवाज का रहस्य क्या है? ये हर किसी को जानना और समझना है। आपने ये देखा होगा, उसकी कई सारी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं कि इमारतें कैसे वहां हिलने लगी। कुछ पल के लिए लोगों को लगा जैसे कोई तेज धमाका हुआ और उसके बाद भूकंप आ गया। लोग एक पल के लिए खौफजदा हो गए। जो जहां खड़ा था उसे एक पल के लिए यह भी समझ में नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। दरअसल हुआ यह था कि एक फाइटर प्लेन की आवाज से लोग दहशत में आ गए। यह आवाज क्या थी वो आपको हम बहुत विस्तार से बताने वाले हैं। दरअसल जो वहां के चश्मदीद थे, जो जिन्होंने इस आवाज को महसूस की, उनके मुताबिक एक रिपोर्ट ये बताती है कि उनके मुताबिक बहुत तेज धमाका हुआ और धमाके के साथ लोग सहम गए। उन्हें लगा कि आसपास, पेरिस के आसपास कहीं बेरूत जैसा ब्लास्ट तो नहीं हो गया। कुछ पल के लिए ऐसा ही हुआ था, लेकिन एक लड़ाकू विमान, एक फाइटर जेट की वजह से ये सब कुछ आवाज आई थी। ये आवाज क्या थी अब उसे समझिए। दरअसल होता यह है कि एक साउंड बैरियर होता है। साउंड की स्पीड आपको भी पता है कि तकरीबन 2.14 किलोमीटर पर सेकेंड की होती है, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक घंटे के हिसाब से देखें तो तकरीबन 1234 किलोमीटर प्रति घंटा साउंड की स्पीड होती है। लेकिन अगर कोई भी फाइटर जेट इस स्पीड को पार कर जाता है या इस स्पीड तक पहुंच जाता है तो उसकी आवाज बहुत तेज धमाके की तरह सुनाई पड़ती है। यानी इसका मतलब यह होता है कि वो साउंड की स्पीड को बीट करते हुए, साउंड की स्पीड को पीछे छोड़ते हुए वो उससे ऊपर भाग रहा है और तभी इस धमाके की आवाज महसूस की जाती है। आपको कुछ दिनों पहले अगर आप गौर करें तो लॉकडाउन के दरमियान बेंगलुरु में इसी तरह की एक आवाज सुनाई पड़ी थी और तब लोगों ने सवाल उठाया था कि क्या ये जो आवाज आ रही है बेंगलुरु के आसपास कोई धमाका हुआ है। बहुत तेज आवाज थी और कुछ लोगों को लगा कि ये फाइटर प्लेन है, कुछ लोगों ने यूएफओ के बारे में बताया, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ ऐसी रहस्यमयी आवाज है जो बार बार आ रही है। लेकिन वो क्या आवाज थी? वो यही आवाज थी कि साउंड की स्पीड को, यानी साउंड बैरियर को तोड़ते हुए कोई फाइटर प्लेन अगर उससे ज्यादा स्पीड से चले, यानी 1234 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर चले, तब ऐसा फील होता है, तब ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ रहा हो, तब इमारतें हिलने लगती हैं, आपके घर के सामान हिलने लगते हैं, क्योंकि साउंड में, क्योंकि आपको पता है साउंड में वाइब्रेशन होता है, उसकी जो रेज होती हैं उनकी वजह से ये वाइब्रेशन पैदा होता है और उसी वजह से ऐसा फील होता है, इंसान ऐसा फील करता है, महसूस करता है कि वो किसी भूकंप का सामना कर रहा है। एक पल के लिए पेरिस में जब लोग खौफजदा हुए तब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ के वैज्ञानिकों ने इस बात की लोगों को जानकारी दी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक फाइटर प्लेन आपके पास से गया है, गुजरा है, और उस फाइटर प्लेन ने चूंकि 1234 किलोमीटर की रफ्तार को, प्रति घंटे की रफ्तार को पार कर लिया था, इसलिए आपको ये सारी तकलीफ हुई है।